नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। ये जो नूपुर शर्मा वाला प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के बाद में जो कुछ भी घटनाक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, ये आंखें खोलने वाले हैं। और इसको केवल एक नूपुर शर्मा का बयान, प्रॉफिट पे बयान, उस बयान की कंट्रोवर्सी तक नहीं देखना चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर भी नहीं देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए हमारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके परिप्रेक्ष्य में कि क्या कोई भी देश दुनिया का, बस सिर्फ भारत नहीं और सिर्फ हिंदूवादी लोग ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश आज की तारीख में राष्ट्रवादी होना क्या अफोर्ड कर सकता है? क्या ये परिकल्पना संभव है राष्ट्रवादी होने की? क्या हम राष्ट्रवादी होकर जीवित रह सकते हैं? ये दुनिया एक ग्लोबल दुनिया है और इस ग्लोबल दुनिया में बहुत सारे ऐसे आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ आपसे साझा करने वाला हूँ, जिनके बाद आपको पता चलेगा कि हम किसी भी तरह से धार्मिक आधार पर एक देश बनाने की सोच नहीं सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, ख़ास तौर पे, विशेष तौर पे जो इस्लामिक दुनिया है वो भारत के लिए वरदान है और उसका सही लाभ लेना चाहिए। ये जो खचर पचर नफरती राजनीति है, इसको बंद कर देना चाहिए। मैंने निचोड़ बताया है, लेकिन जब आप सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत समझने के मौके देगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा एक QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कुछ स्थानों पर, इसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हम जिसमें दुनिया में रह रहे हैं, वो दुनिया एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। आज यूक्रेन का गेहूं रुक गया है, दुनिया भुखमरी के कगार पे पहुंचने वाली है। रूस कह रहा है कि भैया गेहूं ले जाओ, हम ले जाने देंगे यूक्रेन का गेहूं, अगर जहाज़ में गेहूं है तो जाने देंगे, नया डेवलपमेंट है, और हम बस जाँच करेंगे उसमें हथियार ना हो। रूस कह रहा है हम बारूदी सुरंग भी हटा लेंगे, जहाज़ जाने देंगे। क्यों? क्योंकि यूक्रेन अगर एक मिलिट्री ऑपरेशन का शिकार हो रहा है और वहाँ का गेहूं दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, तो दुनिया में भुखमरी की स्थिति आ गई है। भारत से कहा जा रहा है आप गेहूं भेजो वरना काम नहीं चलेगा। इसी तरह से हर देश पे कहीं ना कहीं दुनिया के किसी दूसरे देश की निर्भरता है और उस देश की भी कई मामलों में दूसरों पे निर्भरता है, क्योंकि हम अब एक ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, एक ऐसी दुनिया में हैं जो, जिसको आप कहेंगे कि जो पूरी दुनिया एक है, गोल दुनिया है, ग्लोबल विलेज है, एक गांव बन चुकी है दुनिया। और जब आप इस गांव बन चुकी दुनिया में देखें तो किसी भी देश को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ अपनी अकड़ से काम नहीं चलेगा। गांधी जी बता के गए थे, ग्राम स्वराज्य का फार्मूला देकर गए थे कि किस तरह से गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो और गांव को बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, गाँव ही इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गाय का महत्व, बहुत सारे लोग गाय की बात करते हैं लेकिन गाय को उन्होंने नफरत का एक आइकन बना दिया, जबकि गाय एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो सकती थी। आपके पास में अगर 10 गाय हैं तो उन्हीं के गोबर से आप खेती कर सकते हैं और उस खेती से आप गेहूं उगा सकते हैं, उस गेहूं को आप खा सकते हैं, उसका भूसा आप गाय को खिला सकते हैं, उस भूसे को खिला के गाय आपको दूध दे सकती है, उस दूध के ज़रिए आप अपनी प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आपको उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी प्रोटीन की ज़रूरतें अपने दूध से पूरी कर देगी। एक साइकिल है जिसमें आपका पूरा का पूरा एक आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था बनती है। उसी गाँव के गोबर के कंडों से, उसी गाय के कंडों को जला के आप अपना भोजन पका सकते हैं। सब कुछ वहीं की वहीं है, इसलिए गाय का महत्व ज़्यादा था, उसको लोगों ने कुछ और बना दिया। तो मसला है आत्मनिर्भरता का। तो आज अगर आप बात करें कि हम राष्ट्र बनाएंगे अपना, हिंदू राष्ट्र, क्या कोई कहे मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा, मैं फला राष्ट्र बनाऊंगा और दुनिया के बगैर काम चला लूंगा, तो ये गलत फहमी ये कैसे है, ये इसको और समझ लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर उनको समझना चाहिए जो भारत में धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू है वो मूल निवासी है,
बाकी लोग बाहर से आए। मैं अलग अलग वीडियोज़ में सबूत दे चुका हूँ कि जब मोहम्मद साहब इस दुनिया में मौजूद थे तब भी भारत में इस्लाम था। सेंट थॉमस रोम से पहले क्रिश्चियनिटी को भारत में लेकर आ गए थे। तो ये बाहर से आया वाला मुहावरा, आक्रांता लेकर आए वाली बातें जो लोग दोहराते रहते हैं, उनमें ज़्यादा दम है नहीं, क्योंकि सबूत भी अपने पास हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे कि हमारी जो निर्भरता है वो कैसे है। आज आप मान लीजिए कि आप एक हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, क्योंकि भारत का हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस्लाम के प्रति नफ़रत से ही बनने वाला है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप बार बार सारी चीज़ों को हिंदू राष्ट्र के नाम पे घसीटकर उसी तरफ ले जाते हैं। इस बार भी वही हुआ है नूपुर शर्मा वाले मामले में, और आप थैंकफुल हो सकते हैं कि इस्लामिक दुनिया कितनी उदार रही है हमारे लिए, कि जब तक मामला प्रॉफिट का नहीं आ गया, इस देश के मुसलमानों के साथ हम कई तरह का व्यवहार करते रहे। CANRC आया जिसमें उनको संविधान में एक अलग तरह की नागरिकता दिखाई देती थी, बहुत सारे विवाद हुए, और भी चीज़ें हुई हैं, कई तरह की चीज़ें हुई हैं सिर्फ धार्मिक आस्था के आधार पर, खैर मैं उनमें जाना नहीं जाऊँगा। तो वो होता रहा, लेकिन आपको उस इस्लामिक दुनिया ने साथ दिया, और दूसरी तरफ आपके पास में जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जैसे कि अमेरिका, जो आपको हमेशा अपना ग़ुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो ठंडी हवा का झोंका है वो ये इस्लामिक दुनिया है। वो 65 देश हैं दुनिया के, 65, 66, 67 जितने भी हैं, जहाँ पे बहुमत में मुसलमान हैं, और उनके साथ आपकी दोस्ती कैसी है इससे आप अंदाज़ा लगाइए। कि अगर आप, मैं एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको बताता हूँ कि जो गल्फ़ है, खाली गल्फ़ ले रहा हूँ मैं, उसके भी 2-4-6 देश ले रहा हूँ, उनका और हमारा नाता कैसा है भारत का, इसको समझने में मदद मिलेगी, और आप समझेंगे कि इन सबको नाराज़ करके आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि भारत सरकार ने जैसे ही अभी थोड़ी सी ब्रकुटी टेढ़ी हुई चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया। ये छोटा बयान नहीं है जब डोवाल कह रहे हैं कि ऐसा दंड दिया जाएगा कि दूसरे लोगों के लिए भी सबक बने, ये कहा है आज का बयान। प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं विदेश मंत्री से ईरान के, और ये आश्वासन दिया गया कि हम इतना दंडित करेंगे। हालांकि ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, किसी भी देश को अपने नागरिक के कृत्य के लिए दूसरे देश से क्षमा मांग ले तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि तुम्हें खुश करने के लिए मैं अपने नागरिक को दंडित करूंगा, ये शर्मनाक है, जो सरकार को नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूं। तेल और गैस, भारत अपनी ज़रूरत का सिर्फ 14% घर में बना सकता है, 84% वो बाहर से लेता है, और जो 84% हम लेते हैं बाहर से, उसमें 60% गल्फ से तेल और गैस। रुकिएगा, सिर्फ तेल और गैस की बात नहीं है, तेल और गैस तो बहुत छोटी चीज़ है, वो हम गल्फ से इंपोर्ट करते हैं। 27 देश हैं दुनिया के जिनसे हम तेल मंगाते हैं, उसमें ज़्यादातर अधिकतम 60% आता है गल्फ से, बाकी देशों से छिटपुट आता है, और $77 बिलियन का हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, $77 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से $22 बिलियन सिर्फ तेल पे खर्च होता है। ये है तेल की कथा। तेल के अलावा मैंने बताया अडानी अंबानी सारे कारोबार वहाँ पे हैं। अगर आप देखें बिजनेस पार्टनर के तौर पर, तो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर अमेरिका हो गया, तो आपने पढ़ा होगा, इससे पहले चीन होता था लेकिन अब दोबारा हो जाएगा, बहरहाल नंबर दो चीन है। लेकिन तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा भारत का बिजनेस पार्टनर है वो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और सिर्फ तीसरे नंबर का बिजनेस पार्टनर नहीं है, इसमें आप अगर आगे की कहानी सुनेंगे तो सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, $72.9 बिलियन का जो हमारा पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, वो है UAE, और $42 बिलियन का आपका चौथा जो पार्टनर है वो है सऊदी अरब। अब बाकी गल्फ कंट्रीज को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस तीसरे और चौथे का जो बिजनेस भारत के साथ हो रहा है इसको जोड़ लें तो ये चीन से और अमेरिका से, दोनों से आगे निकल जाता है। यानी गल्फ अगर एक देश के तौर पे देखा जाए,
अगर आप उसको इस्लामिक आइडेंटिटी से जोड़ना ही चाहते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भारत का गल्फ है, खाड़ी देश हैं, और वो सिर्फ दो देशों से ही हो जाते हैं। इसके अलावा कतर भी है जो $15 बिलियन का व्यापार भारत के साथ करता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इराक विराक बहुत सारे दूसरे देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं, इन सब मुस्लिम देशों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इतना बड़ा रिश्ता भारत का इन मुस्लिम देशों के साथ में है। हम जब मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं और सांप्रदायिकता फैलाते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो हम ये तो सोच लेते हैं कि जो हमारे देश में मुसलमान हैं उनको हम दबा लेंगे, कुचल लेंगे, उनको कहेंगे कि नहीं आप तो जो है वो हिंदू ही आपके पुरखे थे, आप हमारे झंडे के नीचे आ जाओ, जो आपको पढ़ाया समझाता रहा है। लेकिन आप सर्वाइव कर सकते हैं इसके बगैर, उस दुनिया के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, उस दुनिया में जो एक दूसरे पर निर्भर है, उस दुनिया के ऊपर आप सर्वाइव कर सकते हैं जिस दुनिया के एक बार बहिष्कार करने पर भारत सरकार अपना पूरा रवैया बदल देती है, रुख बदल जाता है। ये आसान नहीं होता है। आप अमेरिका के भरोसे दुनिया में नहीं रह सकते हैं, आप रूस के भरोसे नहीं रह सकते हैं, आप चीन के भरोसे नहीं रह सकते हैं, बल्कि आपके सबसे बड़े पार्टनर जो हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे मौक़ों पे सिर्फ रूस ही नहीं, इन लोगों ने भी आपका साथ दिया है। और सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं साहब, रोज़गार, भारतीय रोज़गार कितना करते हैं बाहर जाके, इसका एक आंकड़ा आपको देता हूँ। विदेश मंत्रालय का डाटा है कि जो 13.4 मिलियन यानी 1,34,00,000 लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय नागरिकता वाले हैं, जिनकी सिटीजनशिप भारत की है, भारत के नागरिक हैं, सिर्फ वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो लोग 34,00,000 हैं। इसके अलावा 32 मिलियन यानी 3,20,00,000 लोग ऐसे हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं लेकिन वो भारतीय कहलाते हैं, और हमारी पार्टनरशिप का अहम हिस्सा वो हैं। अब अगर इस 1,34,00,000 जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको अगर आप देखें तो अपने आप में ये बड़ी संख्या होती है जो हमको बताती है कि खाली यूएई में हम कितना हमारे लोग रोज़गार कर रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। 7 मिलियन लोग 3 देशों यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, इनमें मिलाकर हैं, और कुल मिला के यूएई में 35% भारतीय रहते हैं। 35% हर तीसरा यूएई का भारतीय है। 1 करोड़ के आसपास आबादी है, 34,00,000 भारतीय यहाँ वहाँ रहते हैं। इस कदर भारत के साथ यूएई का रिश्ता। इतने तो भारत में मुसलमानों का प्रतिशत नहीं जितना कि यूएई में भारतीयों का प्रतिशत है। तो इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हम जो फू फामे नूपुर शर्मा बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे जहर फैलाते हैं, हमको ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया कितनी क्लोज निट है और किस तरह से इस सार्वभौमिक दुनिया में, जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो तो आप अलग कैसे सोच सकते हो। राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हम एक धर्म, एक देश, एक भाषा, इस टाइप की बातें करते हैं, वो लोग इस दुनिया में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ये सारा कारोबार, सारे धंधे, सारे रोज़गार छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते तो अपनी जुगान पर लगाम दीजिए, अपने वाणी को नियंत्रित रखिए। और ये बात मान के चलिए कि ये पार्टनरशिप इतनी अच्छी है कि लगातार बहुत सारे सांप्रदायिक मसले इस देश में आए, हिंदू मुसलमान के मसले आए, और ये पार्टनरशिप बनी रही। 65 देश हैं, उनका संविधान भले ही सेकुलर हो, भले ही वो अपना धर्म की आज़ादी देते हों, अपने देश में धार्मिक आधार पर सरकार ना चलाते हों, अपने देश में सभी को समान अवसर देते हों, उसके बावजूद
उन देशों की एक बड़ी समस्या ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि वहाँ बहुमत में मुसलमान हैं, और अगर आप किसी भी मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं तो वहाँ भी रिएक्शन होगा। कोई आदमी अगर वो अमेरिका में रहता है और वहाँ पे अगर भगवान राम के बारे में कोई टिप्पणी होती है तो यहाँ वालों को भी बुरा लगेगा, और जिस जिस देश में रहते हैं उन सबको बुरा लगेगा। तो आपको आगे ज़रा सोच के चलना है भैया कि आप ये कर क्या रहे हो इस भारत के साथ में, इस मुल्क के साथ में, इस देश के साथ में, इसको क्या बना देना चाहते हो, उसकी क्या दुर्गति कराने की आपकी इच्छा है। सबसे नाता तोड़वा दोगे, होना तुमसे कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना है वो अंगूठे अंगूठे से होना है। अब कमाई पे आ जाइए, जो पैसा विदेशों से भारत आता है, जो विदेशी पैसा भारत में भेजते हैं, जैसे आप नौकरी करने जाते हो, कुछ पैसा आदमी घर भेज देता है काम चलाने के लिए, बचत का पैसा भेज देता है, ऐसा पैसा भेजने वाले लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतवर्षी हैं। भारतीय अपने परिवार को बहुत प्रेम करता है, वो दुनिया में कहीं भी नौकरी करे अपने घर पैसे भेजता है, और इसीलिए भारतीय दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने घर पैसा भेजते हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हों चाहे कहीं और भेजते हों। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कहते हैं कि $83 बिलियन भारतीय अपने घर भेजते हैं, और ये भारत की विदेशी मुद्रा में बहुत बड़ा योगदान है। और जब ट्रेड पार्टनरशिप की अभी मैं बात कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था, आपने ध्यान दिया होगा कि जो पेट्रोल का बिजनेस है हमारा, वो तो ना के बराबर है, उससे कई कई गुना ज़्यादा कारोबार हम कर रहे हैं गल्फ़ के साथ में। पेट्रोल डीजल तो बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सारा सामान यहाँ से जाता है। अब आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 83 बिलियन भारतीय हैं जो अपने घर पैसा भेजते हैं, और उनमें से दूसरा नंबर खैर मेक्सिको का आता है, और इसके अलावा 50% पैसा जो भारतीय अपने घरों को भेजते हैं, यानी आधा पैसा जो बाहर से आने वाला है वो सिर्फ गल्फ से लोग भेजते हैं। भारत माता की सेवा है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और इसीलिए अटल जी के टाइम में जो NRIs हैं उनको लेकर सम्मेलन शुरू किए गए, बड़ी सारी व्यवस्था बनाई गई। अब निचोड़ में ये सब डाटा, ये सारी जानकारियाँ, सारा ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा था कि आप समझ सकें कि इस गांव में आप अपना चूल्हा न्यारा करके नहीं रह सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ज़िंदा रहना है तो सबको अपना मानना पड़ेगा, सबके लिए अपनापन रखना पड़ेगा, किसी से नफरत नहीं कर सकते। वो अपना समझते हैं, ये साबित हुआ है कई दफ़ा पे। CA NRC जैसा आंदोलन हुआ, वो लोग बीच में नहीं बोले, आपका आंतरिक मामला मान के छोड़ दिया। आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि भारत के कुछ करोड़ लोगों से नफरत करके आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सिर्फ यही टारगेट है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बहुत बड़ा इसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, और उसके बाद भी हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप जो भी बनेंगे वो या तो अमेरिका की जेब में बैठा होगा या चीन की जेब में बैठा होगा। अमेरिका कैसी कैसी शर्तें रखता है दुनिया के देशों को, उसने कैसे कैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए अपना गुलाम बनाया हुआ, ये हम सब जानते हैं। आज हमारे पास बैलेंस करने के लिए UAE है, गल्फ है। अगर हम अमेरिका से व्यापार न करना चाहें, हम थोड़ा गल्फ़ की तरफ मुड़ जाएंगे, वो हमसे सामान खरीद लेगा। हम चीन से सामान ना लेना चाहें तो हमारे पास अमेरिका है, हम बैलेंस रखते हैं, सारी दुनिया से बैलेंस रख के चल रहे हैं। और ऐसे में अगर आप कुछ अपने आप को अनूठे राजकुमार बन के चलेंगे तो कुछ चवन्नी में नहीं पूछने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो सरल रहा होगा, अगर बोझिल हुआ हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि हम सब समझेंगे कि प्यार और भाईचारे की बहुत बड़ी कीमत होती है। मैंने आपको वीडियो बनाया था कि तुलना सबसे बड़ी दुश्मन है, हम सबको मिलके रहना चाहिए, और हमारा 70 साल का मिलजुल के रहने का इतिहास है, इससे हमको बहुत नुकसान नहीं हुआ, लाभ ही लाभ हुआ है। जो हमारी परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता है वो हमको मजबूत बनाती है। इस देश की ज़रूरत मिलजुल के रहना है। नूपुर शर्मा मत बनिए। नमस्कार, जय हिंद।